हेलो क्रिकेट के दीवानों दोस्तों, क्रिको मेनिया में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। दोस्तों, किसी भी गेंदबाज के लिए हैट्रिक लेना सबसे यादगार क्षण होता है। फिर मैच किसी भी स्तर का हो, हैट्रिक तो हैट्रिक ही होती है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे अजीबोगरीब हैट्रिक के बारे में, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा और ना ही लोगों को पता है। चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, हैट्रिक लेना हर गेंदबाज का सपना होता है। आज हम बता रहे हैं एक अजूबी हैट्रिक के बारे में। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज ने 31 साल पहले पर्थ में टेस्ट क्रिकेट की ऐसी अनोखी हैट्रिक ली थी जिसे कोई दोहरा नहीं पाया। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 अलग अलग ओवरों में इसे पूरा किया था, यानी कि 3 अलग अलग ओवरों में हैट्रिक लेने वाले वह एकमात्र गेंदबाज हैं। ह्यूज ने इस हैट्रिक के दौरान कर्टली एम्ब्रोस, पैट्रिक पैटरसन और गार्डन ग्रीन्स को शिकार बनाया था। उन्होंने किस तरह यह हैट्रिक पूरी की थी, ये सवाल अब आपके मन में आ रहा होगा कि 3 अलग अलग ओवर में हैट्रिक कैसे ली जा सकती है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दिसंबर 1988 में पर्थ टेस्ट में वेस्ट इंडीज की पहली पारी में ह्यूज ने अपने 36वें ओवर की अंतिम गेंद पर कर्टली एम्ब्रोस को विकेट कीपर इयान हेली के हाथों आउट करवाया। एम्ब्रोस 8 रन बना पाए। ह्यूज ने इसके बाद अपने अगले ओवर 37वें ओवर की पहली गेंद पर पैट्रिक पैटरसन को 1 रन पर कैच करवाया और इसके बाद वे वेस्ट इंडीज की पहली पारी 123.1 ओवरों में 449 रनों पर समाप्त हुई। इसके बाद ह्यूज ने वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी में अपनी पहली ही गेंद पर सलामी बल्लेबाज गार्डन ग्रीन्स को 0 LPW करके आउट कर दिया और इस तरह से दोस्तों अपनी उन्होंने अनोखी हैट्रिक ले ली। उनकी ये हैट्रिक 3 अलग अलग ओवरों में पूरी हुई, जो अपने आप में अजूबा है। दोस्तों, क्रिकेट में भी पता नहीं जाने कब क्या हो जाता है। दोस्तों, आपने क्या ऐसी हैट्रिक के बारे में सुना था? अगर आपने सुना था तो अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट की ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। गुड बाय दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।